वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है रॉयल एनफील्ड बाइक की हम लोग जैसे इंजन ओपन करेंगे। पिछला वीडियो में हमने आपको दिखाया था रॉयल एनफील्ड बाइक के जो पूरा बाइक को सर्विसिंग किया था, जो हैंडल रेसर किस तरह से हम लोग फिटिंग करें, शॉकर वाइल कितना दे, शॉकर वाइल से कैसे फिट करें, क्लच प्लेट कैसे फिट करें, हाइड्रोलिक पंप पिनियम कैसे एडजस्ट करें, उस वीडियो में दिखाया था। बट वो वीडियो लंबा हो गया था इसीलिए मैंने दूसरा पार्ट बार कर रहा हूँ। जो बाइक में साउंड हम लोगों का ख़राब आ रहा था, क्यों, इसमें इंजन ऑयल जैसे कि मैंने देखा था 2.5 लीटर की जगह हमने देखा था 1.5 लीटर इंजन ऑयल निकला था, उस वजह से हम लोगों का जो हाइड्रोलिक टाइपिट है वो ख़राब लगता है हो गया है, और जैसे कि ऑयल पंप भी हम लोग का जैसे ख़राब हो गया है। इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा हाइड्रोलिक हम लोग फिटिंग करेंगे, हाइड्रोलिक पिनियम जो है उसे एडजस्ट करेंगे, स्टोन रिंग अगर हम लोग जैसे कि चेंज करें तो क्या क्या खा ले करें, भाल बाल बुल सभी खोलेंगे, जितना भी है एग्जॉस्ट बल्ब इंटेक बल्ब सभी खोलेंगे। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगेगा, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। खराब आ रहा है, टिक टिक ज़्यादा कर रहा है, तो इसके लिए दिया जाता है हम लोगों का सिलेंडर के अंदर इसी जगह हम लोग का एक हाइड्रोलिक टाइफिट दिया गया है, दो वो हम लोग चेकअप करेंगे, और जिसमें कि इसमें थोड़ा वाइट या ब्लैक है पोल्यूशन भी आ रहा है, तो इंजन ऑयल कमने का रीजन वही लगता है। तो हम लोग हेड सिलेंडर ब्लॉक फिट सब ओपन करेंगे, RS कवर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ड्रेन कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँ कैसे हम लोग हेड ओपन करें, कैसे सिलेंडर ओपन करें, कैसे फिटिंग करें, मैग्नेट कैसे ओपन करें, सभी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोग हाइड्रोलिक टाइफिट चेकअप करेंगे, जो हम लोग का हाइड्रोलिक सच में ख़राब हुआ है या दूसरा फॉल्ट है। तो कैसे हम लोग चेकअप करें, मैग्नेट को घुरा के पिस्टन हम लोग टॉप में चेक करेंगे। गाइस देखिए पिस्टन अभी हम लोगों का जैसे कि टॉप पर है, मैं आपको बता देता हूँ एकदम टॉप पर है, और हम लोगों का रॉकर है जैसे कि कैमशाफ नहीं हिल रहा है, इसका मतलब पिस्टन टॉप पर है। अब टॉप पर रखने के बाद हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा, यहाँ हम लोगों का स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ऊपर उठा के इसको हिला के देखना है, ठीक है, ये ऊपर नीचे प्ले हो रहा है क्या। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है, जो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ये वाला को चेक करेंगे, ये वाला भी नहीं है। तो गाइस मुझे नहीं लगता है जो हाइड्रोलिक ख़राब हुआ है, हाइड्रोलिक अगर ख़राब रहते तो यहाँ से हम लोग का जो रॉड है पम्प रॉड हम लोग का प्ले होता, तो बट प्ले नहीं लग रहा है। तो हम लोग फिर भी खोलेंगे, इसके अंदर जो हम लोग का वाल्व है पिस्टन रिंग हम लगाएंगे स्टैंडर्ड साइज, और चलिए चेकअप करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पिस्टन के अंदर हम लोग का भिजा हुआ है, हम लोग को रिंग बदलना पड़ेगा या ब्लॉक किट को खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं जी इसका पोजीशन क्या है। तो चलिए ब्लॉक किट हम लोग ओपन करेंगे। इसमें एक पॉइंट है और इसमें एक पॉइंट है ना, और हम लोगों का जो मैग्नेट का जो शाफ्ट है इसमें एक पॉइंट है, और इस पिनियम पर दो पॉइंट है, तो मैग्नेट का जो शाफ्ट पॉइंट है बीच पे रहेगा और दोनों साइड इसमें रहेगा। तो चलिए सबको खोलते हैं, ओपन करता हूँ, करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। कैम शाफ्ट बोलते हैं इसी से बाइक का कैम शाफ्ट होता है, कैम शाफ्ट पिनियम, ठीक है, और ये हम लोग का डीकंप्रेसर है, ये डी कॉम्प्रेसर है गाइस,
ठीक है, तो चलिए सब ओपन करेंगे और हम लोग चेकअप करेंगे। ये है हम लोगों का हाइड्रोलिक गाइस, ये है हम लोगों का हाइड्रोलिक गाइस, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोलिक को हम लोग ओपन कैसे करें वो भी हम लोग देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर दिया जाएगा, देखिए पकड़ के रखो इसको, ये जो नाट है गाइस, ये जो एलिंगी नाट है, यहाँ देखिए ये एलिंगी नाट हम लोग को ओपन करना है, तभी हम लोगों का हाइड्रोलिक निकलेगा। तो चलिए वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर कपड़ा घुसाना पड़ेगा। अगर एलिंगी रेंच या नाट वगैरह सब कुछ अगर इसके अंदर घुस जाएगा तो इंजन हम लोगों को पूरा डाउन करना पड़ेगा। तो नाट खोलते वक्त आप अच्छी तरह से गौर कीजिए और क्रैंक शाफ्ट को नीचे भर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोगों का नाट खोलते वक्त कहीं प्रॉब्लम ना हो और कहीं समस्या ना हो। इस नाट को हमने वहाँ से खोला है और पहले हमने इस एलंकी से एक पैच ढीला करने के बाद और इसका उपयोग किया जिसमें कि आसानी से नाट हम लोगों का खुल जाए। तो खुल लिया। अब यहाँ दिया गया है दो हम लोगों का जो पिन है, पिन हम लोगों को निकालना है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस काफ़ी सारे मैकेनिक बोलते हैं जो हम लोगों को इस पुलार से एक पुलार मिलता है इतना सा, उसे भी खोल सकता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो पाइप की मदद से आप लोग खोल सकते हैं पिन को। तो चलो पिन को कैसे निकाल, निकालेंगे। तो गाइस देखिए आसानी से हम लोगों का पिन निकल चुकी है। अब दूसरे वाले को निकालेंगे, बस। अब गाइस हम यहां से पिन को खींचेंगे, कनेक्टिंग डॉट इस पार करना पड़ेगा। आसानी से हम लोगों का दोनों पिन हम लोगों का निकल चुकी है। अब हाइड्रोलिक आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। बस 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 अब हम लोग पंप हाइड्रोलिक खोलेंगे। तो गाइस यही है हम लोग का हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक हम लोग का काम करता है। तो चलिए मार्केट से सब लाते हैं और हेड वगैरह हम लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे, हेड में क्या लगता है वो देखेंगे और इसके अंदर हम लोग डालेंगे स्टैंडर्ड साइज रिंग, ठीक है। तो सो गाइस अभी पार्ट्स लाया है, क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग बदलेंगे, यह वाइल पंप, वाइल पंप न्यू डालेंगे, ठीक है। और यह हम लोगों का हाइड्रोलिक टाइपिट, दोनों ही मैंने बदल लेंगे हाइड्रोलिक टाइपिट, इसका पार्ट नंबर एक ही है। तो इसका कीमत है 815 दोनों। और इसमें आया है पिस्टन रिंग है गाइस, इसमें तो 480 रुपये पिस्टन रिंग का है, स्टैंडर्ड साइज यही है, इसको हम लोग बदलेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ देखिए इसका कैम में रहता है, इसमें दिया जाता है स्लिप है, कैम स्लिप दोनों है, कैम स्लिप दोनों कैम स्लिप लगाएंगे, ठीक है। और सिलेंडर पैकिंग जेनुइन नहीं मिला, बट यह दूसरा कंपनी का है। और ये हम लोग का जैसे कि हेड पैकिंग है और रॉकर कैप का पैकिंग है। तो गाइस ये सब फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पिस्टन, अगर रिंग आप लोग उपयोग करें लगाने के लिए तो आप लोगों को पिस्टन को अच्छी तरह से सफाई करना है, सफाई करने के बाद आप लोगों को लगाना है। तो अच्छी तरह से आप लोग पिस्टन को सफाई करने के बाद ही हम लोग उपयोग करेंगे। तो चलो पिस्टन लिंक हम लोग बाहर में फिट कर लेंगे, गजन पिन सिर्फ इसके अंदर फिट करेंगे। तो गाइस यहाँ हम लोग का पिस्टन रिंग देखने को मिलेगा इस प्रकार की। तो ये हम लोग का पिस्टन रिंग हम लोग असेंबली फिट करेंगे। तो गाइस यहाँ आप लोगों को देखने मिलेगा एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार, चार प्रकार का रिंग। ये हम लोग का ऑयल रिंग है, दोनों एक ही साइज का है। और ये हम लोग का टॉप वन टॉप टू है, ये हम लोग का जैसे कि आप लोगों को टॉप टू सादा वाला और टॉप वन, और यह नेट रिंग। अब आप लोग को आसान तरीका बताएंगे हम लोग किस तरह से जैसे फिटिंग करें।
तो आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें हम लोग का जो पिन लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा साइड पे ज़्यादा है प्ले। जैसे कि यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा साइड पे हम लोग का प्ले ज़्यादा है। ये जो प्ले है गाइस, ये हम लोग को रखना है कार्बोरेटर के साइड में, और ये प्ले कम है, छोटा जगह है, इसको हम लोग को रखना है एग्जस्ट साइड पर, साइलेंसर के साइड पर। तो चलिए, और सबसे बड़ी बात है ऑयल रिंग को हम लोग ऐसे कैसे यूज़ करें। तो गाइस, यहाँ ऑयल रिंग में जो कटिंग है गाइस, इसको देंगे हम लोग जैसे कि साइलेंसर, जैसे कि कार्बोरेटर का साइड में जो बड़ा छेद है उसके साइड में डालेंगे। इस हिसाब से देखिए, मार्किंग देखिए, एकदम अच्छी तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं। इसे हम लोग डालेंगे इसी जगह पर, बीच पर, ठीक है। जैसे कि कार्बोरेटर का साइड में मैंने लगा दिया है और कटिंग मैंने ऊपर रखा है। अब सवाल है दोनों रिंग को हम लोग फिटिंग किस फिटिंग करें। तो गाइस, यहाँ दिखाइए, इस तरह से अगर हम लोग दबाए, इस तरह से अगर हम लोग जैसे दबाएँ तो हम लोग अगर देखो कैसा भाग रहा है। तो इसे हम लोग उपयोग करेंगे नीचे वाले से, जैसे कि सबसे नीचे हिस्से में लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग दबा के देखेंगे गाइस कैसा भाग रहा है, देखो। तो इसी हिसाब से इसी जगह पर हम लोग इसको अटैच कर देंगे। बस कर दिया है। अब दूसरे वाले को भी सेम प्रोसेस है, इसको दबा के देखेंगे ये भाग रहा है। इसी हिसाब से पलटी मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऊपर लगाना है। तो चलो देखिए, ऊपर भाग रहा है। अब इसी हिस्से को इसी साइड में रखेंगे, एक को यहाँ रखा, यहाँ रखेंगे। चलिए गाइस, फिटिंग हो गया है। अब सवाल है टॉप टू टॉप वन। तो टॉप टू को आप लोगों को ऊपर देना है, ये जो सफ़ेद वाला है, और टॉप वन को आपको नीचे देना है। तो वो कैसे देंगे, लिखा वाला जो रहेगा गाइस ऊपर रहेगा, आपको बता देता हूँ। इसी हिसाब से लगाएंगे। बस, और ये वाला को हिस्सा को इसी हिसाब से लगाएंगे इस पार। तो अब आप लोगों को समझा देता हूँ रिंग का ग्रुप कैसे रखिएगा। तो गाइस, यहाँ एक मैंने रिंग का ग्रुप दिया है वाइल्डिंग का, और एक वाइल्डिंग का यहाँ। अब कंप्रेसर रिंग का ग्रुप एक जगह पर यहाँ पर दिया, और एक कंप्रेसर ग्रुप इस जगह पर दिया। तो हम लोगों का इससे क्या हुआ, जो चारों रिंग हम लोगों का सेटिंग हो चुकी है। अब हम लोग ब्लॉक किट में यही फिटिंग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लुब्रिकेंट कर लेता हूँ। स्क्रू ड्राइवर लाइए पतला, अच्छी तरह से लुब्रिकेंट कर लीजिएगा, उसके बाद ब्लॉक किट में घुसाइएगा, ठीक है। बस, अब थोड़ा हम लोग ऑयल डालेंगे इसके अंदर। बस, तो गाइस ये वाला जो हिस्सा है, अब हम लोग जैसे कि आप लोगों को बताते हैं, ये हम लोग का रहेगा, ये जो चिन्ना है ये रहेगा आपका कार्बोरेटर की साइड में, और ये वाला जो हिस्सा है इस साइड पर आप लोगों को साइलेंसर के साइड में। कैसे पता चला हम लोग यहाँ, जैसे कि कैमशाफ्ट का रॉड आएगा तो हम लोगों को फिटिंग करना है। मैंने आपको बताया था बड़ा छेद वाला जो है इस साइड में रखना है, इसी हिसाब से। तो हम लोग नीचे से भरेंगे, तो चलो नीचे से इसी हिसाब से रखेंगे। बस, पतला स्क्रू ड्राइवर दीजिए। तो गाइस, आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे लगाइएगा। चाप चाप के आप लोगों को लगाना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड होगा, बट इसमें घबराना नहीं, काम बन जाएगा। चलो अच्छी तरह से बैठ जाता हूँ, लाइट जलाइए। बस, टॉप टू जल चुकी है, अब टॉप वन को भरेंगे। टॉप वन भी जा चुकी है, अब वो ऑयल रिंग जो है ऑटोमेटिक चल जाएगा गाइस। तो अब जैसे कि हम लोगों को नेट रिंग बनना है, तो हल्का हल्का करके जस्ट इस तरह से उपयोग करना है, जिसमें कि हम लोगों का रिंग आसानी से चल जाए। तो गाइस, यहाँ हम लोगों का रिंग फिटिंग हो चुकी है। अब थोड़ा हम लोगों को जैसे कि सेटिंग करना है, इसी हिसाब से रखना है, ठीक है। और पीछे से आप लोग थोड़ा हल्का करके इसको बाहर करना पड़ेगा, जिसमें कि पिन को आना जाना, पिन आना जाना करें, और पिन आसानी से बाहर से हम लोग लगा सकते हैं। तो चलो हम कोशिश करते हैं पिन आ रहा है कि नहीं। इस यहाँ देखिए, पिन हम लोग का आया जाया कर रहा है, थोड़ा और भी हम लोग जैसे कि इसमें थोड़ा। बस, अब इससे क्या होगा, ब्लॉक किट में डायरेक्ट हम लोग फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए,
तैयारी करते हैं। क्या हम स्लिप चेंज करेंगे? तो 14 mm का नाट है, इसे हम लोगों को बदलना पड़ेगा। जब भी ये सब हम लोग बदलें, बाइक का साउंड क्वालिटी बेहतर आएगा। क्या हम स्लिप है इसका नाम? कुछ इस तरह से आएगा, दोनों एक ही है। चलो नया लगाते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए, इसे हम लोग नया डालेंगे। तो गाइस इसे बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले बाकी का प्रोसेस आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है? बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों का काम करेगा, एडजस्ट हम लोगों को करना है, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सबसे पहले ऑयल पंप हम लोगों को बदलना पड़ेगा। ऑयल पंप, ठीक है, और नई वाली ये है। ऑयल पंप का कीमत है 721 रुपया। तो चलो हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ पिनियम आया है और यहाँ आप लोगों को देखने मिलेगा, और यह है हम लोगों का ऑयल पंप। तो ऑयल पंप हम लोगों का सेम मॉडल है, एकदम बराबर सही है। चलो फिटिंग करते हैं। इसमें ओरिंग भी आया है, अब हम लोग इपुक करेंगे। बस डोला मत कीजिए। अब हम लोग का फॉर्म भी फिटिंग हो गया, अब हम लोग फिटिंग करेंगे। सो गाइस हम लोग हाइड्रोलिक फिटिंग किस तरह से करें, यहाँ छेद दिया गया है, इस छेद को हम लोगों को रखना है ऊपर साइड, तभी यहाँ से ऑयल ठीक से जा पाएगा और हाइड्रोलिक ठीक से वर्क करेगा। तो चलिए, दोनों पार्ट नंबर एक ही है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग हाइड्रोलिक के इसके अंदर पुश करेंगे। बस अब दूसरे को, ये वाला क्लिप और ये वाला नॉट लगाना पड़ेगा। तो चलो इसकी तैयारी करते हैं लगाने का, उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। अभी हम लोग पाइप का उपयोग करेंगे और इसको जैसे कि यहाँ भर दिया है, और इसी से हम लोग जैसे कि यहाँ भरेंगे, और कपड़ा इसके अंदर भर के रखिए तभी काम कीजिएगा। नोच प्लस दीजिए। तो गाइस पिन जा चुकी है, अब हम लोग पाइप को टाल लेंगे। तो जैसे कि नोच प्लस वहाँ लगा के हम लोग उपयोग करेंगे, और तो गाइस यहाँ आ चुकी है और पिन हम लोग का जा चुकी है, थोड़ा अच्छी तरह से भर देंगे। बस और पिन नहीं जाएगा। तो गाइस दूसरा पिन को भी हमने भरा है, और यहाँ से हम पिन को चाप के रखेंगे और पाइप को टाल लेंगे। बस अब पिन को हम लोग पुश कर देंगे। बस और हाइड्रोलिक नहीं जा रहा है। बस टंकी को आप लोगों को कटना पड़ेगा और इस तरह से भिड़ाना पड़ेगा, ठीक है? अब वहाँ हम जैसे कि सपोर्ट करेंगे, कपड़ा नीचे है, कोई टेंशन नहीं, अभी कपड़ा हम लोग नहीं निकालेंगे, काम ख़त्म होने के बाद ही निकालेंगे। तो चलो वहाँ हम लोग फिटिंग करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते करके ले जाएंगे। करिए बस अब ओपन कर दो। अब गाइस यहाँ का काम ख़त्म, कपड़ा हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है? रुकिए रुकिए।
बहुत कपड़ा दिया है, हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। अब यहाँ का काम खत्म। लगाने के बाद हम लोग का जो पंप है हाइड्रोलिक है ये और ऊपर नहीं जाएगा, इतना सा हाइड्रोलिक हम लोग खेलेगा, ठीक है। देखिए कटा कटा कर खेले है, देखिए। और ये पॉइंट को मैंने इसी हिसाब से रखा है। अब चलो बाइक का पिस्टन को हम लोग टॉप में करना पड़ेगा, तो टॉप में कर देते हैं। एकदम सीधा बस। हम लोग कैम से आप फिटिंग करेंगे तो किस हिसाब से, तो पिस्टन को आप लोगों को टॉप में करना पड़ेगा। ये जो मैग्नेट का लॉक है इसको आपको सीधा रखना है, पिस्टन ऑटोमेटिक टॉप में हो जाएगा। और यहाँ दिया गया हम लोग का दो मार्किंग है, देखिए यहाँ दो मार्किंग है और इस जगह पर एक मार्किंग है, तो हम लोग को वही मार्किंग मिलाना है तभी हम लोग का टाइमिंग जैसे कि बराबर हो पाएगा। एक गट रॉन्ग है गाइस, चलो एक गट टानते हैं बस। तो गाइस देखिए यहाँ जो पॉइंट है और यहाँ जो पॉइंट है इसको मैंने मिलाया और ये हम लोग का बराबर बन गया है गाइस, ठीक है। इस पिनियम का उपयोग करेंगे जो इस पॉइंट को हम लोग को मिलाना है इस पॉइंट के साथ, तभी वर्क होगा। तो चलिए थोड़ा घुमाना पड़ेगा, रुकिए मेजरमेंट करना पड़ेगा इसे। बस अब यहाँ देखिए इस पॉइंट के साथ इसको संपर्क किया और इस पॉइंट के साथ इसका संपर्क किया, अब हम लोग का टॉप पर हो चुकी है गाइस, ठीक है। पिस्टन टॉप पर हो चुकी है, कर रहा है इसे हम लोग थोड़ा फ्री करेंगे, तो किस चीज़ का उपयोग करें जिसमें कि हम लोग का फ्री हो जाए। ये जो नॉट है इसे हम लोग थोड़ा मिला सकते हैं, अब ये आसानी से फ्री हो गया है, थोड़ा और देखते हैं, ज़्यादा नहीं। बस बस इसको जाम नहीं करना है, यहाँ देखिए इसको अगर हम जाक करें ये फांक हो जाता, देखिए ये फांक हो जाता ना, तो हम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं ले जाना है और जैसे कि इजी रखना है जिसमें कि हम लोग का टिक टिक करके आवाज़ करे, और अगर ज़्यादा आवाज़ करे तो बाद में भी हम लोग उसे जैसे कि टाइट कर सकते हैं, बट ढीला रखने का कोशिश कीजिए, साउंड हम लोग का बेहतर से बेहतर आएगा। तो चलिए नॉट को हम लोग कस देते हैं, थोड़ा इस पार का मिलाएंगे, उस पार का तो मिला दिया है। चलिए थोड़ा दूर कीजिए ना, कैमरा को सटा कर दिया बस। तो गाइस यहाँ का काम ख़त्म और यहाँ टाइमिंग में मिला दिया है, अब हम लोग को धोना पड़ेगा दो वाशर, ठीक है। चलो वाशर दे देते हैं, बस खेल वो चल खींच। अब हम लोग ऑयल पम्प की पिनियम फिटिंग करेंगे, इसी हिसाब से लगेगा, उल्टा लगाने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसी हिसाब से लगाने से हम लोग का सही नहीं होगा, इसको हम लोग इस तरह से लगाएंगे। चलो नया लॉक लगाते हैं, प्लास दीजिए। बस अब ये वायरिंग को अभी आप लोग गौर कर लीजिए चेंबर लगाने से पहले, ये वायरिंग अगर आपका जैसे कि गिर जाएगा तो आप लोग का फिर ऑयल पंप ख़राब हो जाएगा, हाइड्रोलिक ख़राब हो जाएगा, तो इसके कारण बहुत ही दिक्कत होता है। तो चलिए मैग्नेट लगाएंगे, बस लगाने के बाद हम लोग उपयोग करेंगे चेंबर लगाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे करना है,
तो चले पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद बाइक को फिटिंग करेंगे। अभी जैसे कि कितना टाइम हुआ, डेढ़ बज चुकी है, तो चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। नया बल्ब फिल है, ये नया है बल्ब का कीमत है गाइस, यहाँ देखिए 390 रुपया, और इसके अलग से आप लोगों को बल्ब फिल लेना पड़ेगा 97 रुपया। तो चलिए मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड का ही सबसे कम है ना। हाँ चलिए फिटिंग करेंगे। वो दिखे। लाल वाला आप लोगों को रखना पड़ेगा एग्जस्ट साइड पर, और इंडेक्स साइड पे ये वाला रखना पड़ेगा, जो साइलेंसर साइड में रेड वाला, और ये जो है हम लोगों को देना पड़ेगा कार्बोरेटर साइड। तो चलिए बाल फिटिंग करेंगे। बस तो गाइस हम लोग का हेड भी फिटिंग हो चुकी है, एकदम बढ़िया क्वालिटी से पैकिंग डाल दिया हूँ, और पिस्टन को ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पिस्टन रिंग हमने भर दिया है, अब हम लोग उपयोग करेंगे इस चीज़ का। तो गाइस चलिए हम लोग उपयोग करेंगे, आहिस्ता से करके छोड़िए, टेंशन मत लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता करके, और थोड़ा नीचे ना भैया, रुकिए रुकिए, सेंटर है। सेंटर देखो, छोड़िएगा मत। सर क्लिप लगाएंगे, बस अब ऐसे ऐसे करके भरो, सेंटर करो यहाँ, बस जेन्युइन पैकिंग है। पकड़िए सर, बस पुश है। पीतल का वाशर है, हम लोगों को देना है मेन स्टैक पर, यहाँ 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 यहाँ, तो चलो दे देता हूँ एक एक करके। ये वाशर डालेंगे, ये देखिए इस नट को हम लोग लगाएंगे बीच पर, और 12 mm का जो गुटी है हम लोग को लगाना है इसी जगह पर, टाइट कर देते हैं बस। ये रॉड हम लोगों का छोटा बड़ा है, तो इसको हमको लगाना है बड़ा वाला जो इस साइड पे लगाना है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक हम लोग का नीचे है, तो बड़ा वाला को हम लोग को इस साइड पे देना है। बस छोटा वाला को इसी जगह पर, बस इस तरह से दिख के लगाइए, या लाइन अगर ब्लॉक हो जाता है तो दिक्कत में हो सकता है, ठीक है। दोनों को चेकअप कर लेंगे, देखिए ऑयल आ रहा है, चलिए मैग्नेट चैम्बर लगाते हैं, और लगाने के बाद कंप्रेसर ठीक करेंगे। हाँ नट टाइट कर दिया है, तो गाइस हम लोग इस नट को फाइनल टाइट नहीं करेंगे, किक मारेंगे और एडजस्ट करेंगे और टाइट करेंगे, किक मारेंगे एडजस्ट करेंगे टाइट करेंगे। तो चलिए किक मार रहा हूँ, एक साथ अगर टाइट दे तो कंप्रेसर हम लोग का डाउन हो जाएगा गाइस, ठीक है। किस
तो गाइस जब भी आप लोग फिटिंग करने का बात है, फुल नॉट को टाइट मत करो। सबसे पहले आप लोगों को हल्का हल्का टाइट देना और किक मारना है। जब भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो चारों नॉट को, जैसे कि 8 नॉट होता है, हल्का हल्का ढीला रखने के बाद स्टार्ट का उपयोग करें। और कंप्रेसर जब आ जाएगा स्टार्टिंग अवस्था में, आप लोगों को जैसे कि हल्का हल्का नॉट को एडजस्ट करके पूरा टाइट देना है। तो फिलहाल मेरा मैंने कर दिया है और बाइक का कैप लगाएंगे और आप लोगों को साउंड क्वालिटी दिखाएंगे। तो चलो फाइनल टाइट कर देता हूँ, जिसमें कि हम लोग बस रॉकर कैप का ओरिंग हम लोग नया डालेंगे। ओरिंग नया डालेंगे ठीक है। गाइस अभी बाइक को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। अब यहाँ दिखाओ साउंड क्वालिटी एकदम बुलेट जैसा आ चुकी है और उतना ख़राब भी नहीं है। तो गाइस आहिस्ता आहिस्ता करके और भी साउंड क्वालिटी बेहतर आएगा जब इंजन वाइज चारों तरफ चल जाएगा। तो सो गाइस इस बाइक का इंजन आप लोगों को फिटिंग करके दिखाया। इसमें पिस्टन रिंग मैंने नया लगाया, पिस्टन खाली रिंग, पिस्टन साइज, वाल्व, हाइड्रोलिक टाइफिट, और जिसमें कि काफ़ी सारे चीज़ लगाया, तब जाके बाइक का साउंड क्वालिटी बेहतर आया। तो इंजन का काम तो बन गया है। अब सवाल है, आप लोग शायद सोते हो कि और भी काम चाहिए। तो गाइस कल मैंने इसी बाइक का सार्मिसिंग वीडियो बनाया है, जिसमें कि बॉल रेसर फिटिंग करना, बॉल रेसर कैसे फिट करे, शॉकर में ऑयल कितना दे और क्लच प्लेट कैसे करे। तो कल मैंने क्लच प्लेट भी फिट किया है और बॉल रेसर का पूरा भी काम किया, तो पूरा बाइक को सार्मिसिंग कर दिया है। तो फिलहाल इंजन का भी काम कर दिया है। तो गाइस उस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए। रॉयल इनफील्ड बाइक हम लोग सर्विसिंग में क्या क्या करें। तो बस इतना ही आज का वीडियो में, इतना ही जो इस बाइक का इंजन आप लोगों को करके दिखाया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा और तब जाके ये वीडियो बना। तो गाइस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ।